Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ आ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल. आज हम डिस्कस करेंगे कि हिडन गुडविल क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो क्या लेकर आता है अपने साथ, एक तो कैपिटल लेकर आता है यानी कुछ पैसा लेकर आता है अपने हिस्से के लिए, और दूसरी चीज़ अब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो उस सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए वो कैपिटल के साथ साथ कुछ अमाउंट उन पार्टनर्स के लिए भी लेकर आता है जो उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, सो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आता है ये तो गिवन है कि कैपिटल, वो सपोज कैपिटल लेकर आया 1 लाख, बट वो कितना अमाउंट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है यानी पुराने पार्टनर्स के लिए पैसा लेकर आया है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, यानी वो क्या होता है, हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है. तो उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अब हम सीखेंगे. ओके, तो चलिए, व्हाट इज हिडन गुडविल. हिडन गुडविल मतलब जब क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं गिवन, यानी गुडविल जो है वो हिडन है, और आपको, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं गिवन इसका मतलब कि वो कुछ अमाउंट लेकर ही नहीं आ रहा पार्टनर्स के लिए, वो लेकर आ रहा है बट वो अभी छुपा हुआ है, हिडन है, आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो हिडन गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है. 1 by 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इसको समझेंगे. ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद स्टेप्स को देखते हैं. तो एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास, हरी एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 3,05,000 एंड 2,10,000 रिस्पेक्टिवली. हरी और शिव पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल कितनी है, 3,05,000 हरी की, और शिव की कितनी है, 2,10,000. Is it clear? आगे, they admitted ओम as a partner with 1/4 share of profit. उन्होंने ओम को admit किया है कितने शेयर के लिए, 1/4 share के लिए. ओम bring 1,95,000 as his capital. ओम कितनी capital लेकर आ रहा है, 1,95,000. Now calculate the amount of goodwill and pass necessary general entries. आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है गुडविल का और जनरल एंट्रीज करनी है. क्लियर है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो इस तरीके से अब हमें ये तो गिवन है कि नया पार्टनर ओम जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1,95,000 की, उसका शेयर कितना है, 1/4, बट ये नहीं गिवन कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आ रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी गुडविल, फर्म की गुडविल. ओके, तो अब कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है और उसका कितना शेयर है फर्म में. तो देखते हैं, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 1,95,000, और इसका शेयर कितना है, 1/4. क्लियर है, अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि वो जो कैपिटल लेकर आ रहा है 1,95,000 और उसका शेयर कितना है, 1/4. तो फर्स्ट स्टेप करते हैं. फर्स्ट स्टेप में बच्चे हमें क्या करना है, हमें पूरे फॉर्म की कैपिटल निकालनी है, किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे. कैसे, अब देखो कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू नए पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. जितना भी उसका शेयर है उसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल. क्लियर है, तो देखो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, ओम का शेयर कितना है, 1,95,000. तो टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू
नए पार्टनर की कैपिटल यानी 1,95,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर, शेयर कितना है 1/4, तो रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया 4/1। तो अब हमारे पास कितनी कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल 7,80,000। क्लियर है? बेसिकली बच्चे हमने क्या किया, देखो हमने, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि 1/4 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है 1,95,000, बट हमें निकालनी है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल अगर हमें निकालनी है तो हमें 1/4 पार्ट गिवन है बट हमें चारों के चारों पार्ट्स चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज 4/1। तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई फर्म की 7,80,000। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना फर्म की, किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, जो उसका शेयर है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल कैपिटल कितनी है। ये तो हमने नए पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल निकाल ली ना, एक्चुअल फर्म में कैपिटल कितनी है अब हम देखते हैं। हरि की कैपिटल कितनी है 3,05,000, शिव की कैपिटल कितनी है 2,10,000 और ओम की कैपिटल कितनी है 1,95,000। तो एक्चुअल कैपिटल देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की कैपिटल को क्या कर देंगे ऐड। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी होगी हमारे पास 3,05,000, 2,10,000 एंड 1,95,000, जो कि हमारे पास आ गया 7,10,000, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमने ये देखा कि एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल के लिए हमने क्या किया, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया ऐड, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल का अमाउंट लोगे वो एडजस्टेड होगा, एडजस्टेड मतलब जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना तो उसमें जो अमाउंट, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने यूज़ करना है यहाँ पे, यानी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देकर और जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं सबको एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था तो हमने नॉर्मली कैपिटल ले लिया। क्लियर है बच्चे? फिर हमने क्या करना है, फिर हमने देखना है कि जो हमने टोटल गुडविल न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकाली है और जो एक्चुअल गुडविल है उसमें कितना डिफरेंस है। तो अब देखो, अब हमने ओम की बेसिस पे, जो ओम नया पार्टनर आया था उसके बेसिस पे जो कैपिटल निकाली है वो कितनी है 7,80,000, बट एक्चुअल कैपिटल कितनी है हमारी 7,10,000। तो यानी अगर ओम की कैपिटल देखें तो हमारी कैपिटल होनी चाहिए फर्म की 7,80,000, बट हमने कितनी कैपिटल लगाई हुई है 7,10,000, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, गुडविल, यानी हमने कम पैसा लगा रखा है एज कम्पेयर टू जितना उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल। और ये कौन सी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल। तो गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी आ गई 70,000। क्लियर है बच्चे? तो फर्म की गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे आप निकालोगे। और वो आप कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। आप रेसिप्रोकल करोगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। फिर उसके बाद आप देखोगे एक्चुअल कैपिटल कितनी है, उसके लिए आप सभी पार्टनर्स की कैपिटल को एड ऑन कर दोगे। फिर आपको देखना है कि टोटल कैपिटल कितनी बनती है पार्टनर के अकॉर्डिंग, कितनी एक्चुअल कैपिटल है उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, गुडविल। क्लियर है? अब ये फर्म की गुडविल आ गई। फिर हमें नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है कि नया पार्टनर कितना गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। ये तो फर्म की गुडविल है बट जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे बस। अब जैसे एग्जाम्पल देखें तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 70,000, बट ओम का शेयर कितना है इसमें 1/4। तो ओम कितनी लेकर आएगा 70,000 इंटू 1/4, दैट इज 17,500।
ओके और अब हमें इस क्वेश्चन में था कि हमें जनरल एंट्रीज भी पास करनी है, तो करते हैं। देखो ओम जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 195,000 की, गुडविल का अमाउंट वो नहीं लेकर आ रहा, अब कुछ गिवन नहीं है मतलब वो नहीं लेकर आ रहा, तो हमने एंट्री पास कर दी सबसे पहले कैपिटल आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल 195,000। सेकेंडली उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बनता है 17500, अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा, इसका मतलब वो कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो हम उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे ओम्स करंट अकाउंट। और ये जो गुडविल का अमाउंट है वो किसको मिल जाएगा, हरि और शिव को। अब देखो क्या इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि वो कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या उनकी ओल्ड रेशो है, तो हम ये यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशो क्या है 1:1, और वो सेक्रीफाइस भी किस में कर रहे होंगे 1:1। ध्यान रखना हमने अज्यूम किया है, जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम क्या ले लेते हैं इक्वल, ठीक है। तो अब हरि और शिव को ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो मिल जाएगा कैसे 1:1 में, यानी हाफ हरी का और हाफ शिव का, 8750 and 8750। होप आपको क्लियर होगा। तो बच्चे इन कंक्लूजन हिडन गुडविल क्या होती है, हिडन गुडविल वो अमाउंट है कि जब क्वेश्चन में आपको कितना नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है वो गिवन नहीं है, तो उस केस में इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आएगा, आपको फाइंड आउट करनी है गुडविल, गुडविल छुपी हुई है हिडन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के बेसिस पे कितनी कैपिटल बनती है, उसके बाद ये देखना है कितनी एक्चुअल कैपिटल है फॉर्म में, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी किसकी, फॉर्म की, और उसके बाद हम क्या करेंगे उस गुडविल में अपने नए पार्टनर का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। ये गुडविल तो फॉर्म की होगी ना, ये तो टोटल गुडविल आ गई, पर हमें क्या चाहिए नए पार्टनर का शेयर, वही तो वो लेकर आएगा, वो अपना शेयर ही तो लेकर आएगा ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।